नमस्कार, आइए हम LG का वाटर प्यूरिफायर के बारे में रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसका मॉडल नंबर का। ये अपना मॉडल नंबर आ जाएगा WW145NPW मॉडल नंबर है, जो LG कंपनी का है। आगे हम बात करें इसकी टैंक कैपेसिटी की, तो इसकी टैंक कैपेसिटी के बात करेंगे तो ये 8 लीटर का स्टोरेज के साथ है वाटर प्यूरिफायर। उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले RO आएगा प्लस स्टेनलेस स्टील इसका टैंक आ जाएगा। दूसरा UV नैनो लाइट के साथ आएगा। अगर हम टैंक की बात करें तो वो अपना डुअल प्रोटेक्शन स्टेनलेस स्टील टैंक इसकी आ जाएगी। तीसरा हम बात करें मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन का। चौथा बात करें UV प्लस का हम बात करें, जो कि काफ़ी बेस्ट है आज के डेट में। उसके बाद फिल्टर चेंज इंडिकेटर का हम बात करेंगे, तो ये यहाँ पे आपका फिल्टर चेंज इंडिकेटर का ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कभी भी वाटर प्यूरिफायर अगर आप ये लगाए हुए हैं और आप को पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें फिल्टर मेरा खराब है कि बढ़िया है, तो ये जैसे ही इसमें फिल्टर खराब होगा तो ये यहाँ पे इंडिकेट करेगा आपको। पहला इंडिकेट लाइट, जैसे 3 इंडिकेट लाइट है, येलो, ग्रीन और रेड का आएगा। अगर रेड आ जाएगा तो समझिएगा कि यहाँ से जो मेरा फिल्टर है वो खराब हो चुका है। तीसरा बात करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये काफी बेस्ट है और ये वॉल माउंट हो जाएगा। ये आपके घर में कहीं पे भी आप इसको वॉल माउंट कर सकते। उसके बाद इसके हम डिजाइन की बात करेंगे, तो अभी का सबसे न्यू पैटर्न में इसका डिजाइन है। इस डिजाइन को रीगल पैटर्न बोला जाता है और अभी के डेट में काफी बढ़िया डिजाइन है। उसके बाद हम बात करेंगे गारंटी वारंटी की, तो इसमें कंपनी अपना 10 साल की जो टैंक है स्टेनलेस स्टील टैंक, उस पर 10 साल की कंपनी वारंटी दे रही है। उसके बाद जो ऑल ओवर वारंटी है वो 1 साल की कंपनी वारंटी दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक इंडिकेटर का तो बात हम यहाँ पे किए थे, दूसरा इंडिकेटर अपना आ जाएगा यहाँ पे पावर, जो कि अपना अगर इसमें लाइट रहेगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पावर का बटन जलता रहेगा। तीसरा यहाँ पे इंडिकेटर जो दिया हुआ वो टैंक के लिए दिया है, अगर आपका पानी प्यूरिफायर कर लेता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंडिकेट कर देगा कि आपका टैंक जो है वो फुल है। अगर जैसे ही आपका टैंक खाली होगा ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक से बंद हो जाएगा। उसके बाद और नीचे आते हैं तो ये अपना हो जाएगा पानी निकालने के लिए। अगर एक ग्लास पानी निकालना तो ऐसे करेंगे तो एक ग्लास पानी निकलेगा, अगर एक बोतल निकालना तो इसको ऐसे आसानी से करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।